सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग की। ठीक है, तो देख सकते हैं मैं आई हूँ बैंक। तो जैसा कि बैंक से क्या होता है ये सब आप लोगों को मालूम ही है, और कुछ ज़रूरी काम जो ससुराल जाने से पहले मुझे करने हैं तो यहीं से शुरुआत करती हूँ। पहला काम मेरा यही है कि मुझे ATM से कुछ पैसे निकालने हैं, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और देखिए क्या क्या मेरे ज़रूरी काम हैं, बने रहिएगा आप। ठीक है, चले हो गया भैया। काम निपटाने के बाद आ चुके हैं हम पापा के घर। ठीक है, देख सकते हो एरिया आपका जाना पहचाना होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम यही था मुझे, क्योंकि माँ जी से मिलना था, क्योंकि मैं कई दिन के लिए, करीबन 15-20 दिन के लिए जा रही हूँ ससुराल, तो इसलिए बहुत मन था तो दादी से मिलने का। तो सबसे बेस्ट एंड बेस्ट काम था वो यही है, मुझे माँ जी से मिलना है। तो मैं आ चुकी हूँ। माँ ऊपर है? माँ तो नीचे है भाई, हम जा रहे हैं ऊपर भाई, मतलब, और माँ है नीचे। ठीक है, तो ये भी माँ से मिलने। माँ देखना, माँ बिस्तर में, माँ हो गई है बहुत कमज़ोर। माँ रो क्यों रही हो? देखियो, मैं तो तुमसे मिलने आई, तुमने कहीं घर जाने से पहले मिलने आई हो, रो क्यों रही हो? हैं, रो मत, चलो बैठियो, बैठियो जाओ, छत पर ना बैठी आज, आ जाओ बैठ जाओ। देखियो तुम्हारी वजह से ही तो मैं आई हूँ माँ, हैं, देखना मेरी माँ कितनी कमजोर हो गई, कितनी कमजोर हो गई मेरी माँ। चलो रो मत, गांव जा रही थी मैं, मुझे जाना था गांव, तो इसलिए मैं माँ से मिलने आई नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, शाम नहीं गई थी, इसीलिए तो तुमने कही थी कि मिलके जाइयो, इसलिए मिलने आई हैं। देखना माँ के कितने हाथ पैर कैसे पतले से हो गए, माँ बहुत कमज़ोर हो गई है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है माँ, रो मत। का है खाना? ठीक है, माँ जी आधा फुलका खाती हैं बस, आधा या एक छोटा सा फुलका खाती हैं, और इधर आलू गाजर की सब्ज़ी और चटनी आ चुकी है माँ के लिए, तो चलो माँ जी को खिला देते हैं खाना। दो दो रोटियां खाया करो, थोड़ा सा ही खाना खाती हो बस, है माँ की सबसे लाडली पोती हूँ मैं, है ना माँ, इसीलिए मैं कहीं भी जाती हूँ मेरा मन करता है पहले मैं माँ से मिल के आऊँ, है माँ, है? अरे रो मत, है, है? देखियो इसीलिए तो मैं ससुराल ना गई तुमसे मिलने के चक्कर में, पहले मैंने कहा ससुराल तब जाऊंगी, पहले अपनी माँ से मिलूंगी। रोया मत करा करो, हैं? मैं क्योंकि यहाँ भी आना बहुत ज़रूरी था, कुछ सामान लेना था, तो देख सकते हैं। इसमें पीछे होगा ना, ये बता दीजिए सर। हाँ मैं बताइए, इसमें भी डिस्काउंट है क्या कुछ? अब आ चुकी हूँ फ्रेंड्स मैं एक फ्रेमिंग की शॉप पे, जहाँ मुझे शिव परिवार और राम दरबार तैयार कराना था। साफ कर देना ठीक से, लास्ट टाइम में खड़े होकर यहीं कराना पड़ रहा है काम, मतलब चार दिन पहले दे के जो काम गए। ठीक है, हमने क्या कही, हमने कही थी कि उसी समय कि अभी ले जाओ तुम हाथ के हाथ, हमने ना, मैं तो सब एक साथ लूंगी, अब एक साथ का चक्कर ना होता तो। ये सबसे ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट काम था, ठीक है, क्योंकि रामायण इसके बिना नहीं होनी थी, राम दरबार के बिना, और जो हमने चार दिन पहले इन भैया को दी थी ये बनाने के लिए, लेकिन अभी तक इन्होंने तैयार नहीं किया था। सारी गलती मेरी, यस, सारी गलती इन भैया की,
पूरी गलती इन भैया की है। हाँ। लगे पड़े हैं अब, मतलब खड़े होके करवाना पड़ रहा है यहाँ पे काम। इनकी आदतें आज वायरल होंगी। क्या है जो 25 साल पहले, 25 साल से जानती हूँ मैं इनको, जो आदतें 25 साल पहले थी वो आदत आज भी बरकरार है इनके अंदर। दुनिया बदल गई, जमाना बदल गया, लेकिन ये ही नहीं बदले। क्यों भाई, थोड़ा बहुत तो बदलना चाहिए था कि नहीं? मुझे ये लग रहा था कि भैया इस बार टाइम से दे देंगे, बिल्कुल टाइम से दे देंगे, लेकिन इन्होंने टाइम से दे रहे हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल ही नहीं बदले। अच्छा लो भैया का डायलॉग क्या मैंने, मतलब जो मेरे जरूरी काम, मतलब ससुराल जाने से पहले जितने भी मेरे जरूरी काम थे मैंने सारे निपटा लिए, लेकिन इस एक काम ने मुझे सबसे ज्यादा लेट कर दिया। सबसे ज्यादा लेट कैसे हो रहा है? उठा उठा सा, पहले तो ऐसी नहीं थी ना। ठीक से कर देना भैया, जहाँ कमी दिखाई दी मैंने खुद कर रहा हूँ। चलो कम से कम हमें टाइम लगा, यहाँ खड़े रहना पड़ा, लेकिन भैया ने ये काम कर दिया। कम से कम टाइम लगा, कम से कम टाइम लगा, रहने दो। तुमने बोला कम से कम टाइम लगा, वही लोड लोड आ रहा है, वही मैं बोल रहा हूँ। मतलब इनको ना पहले से काम देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि काम हमेशा लेट होना है। तो जिसको भी इनसे काम कराना ना, आके इनके सिर पे खड़े हो जाओ कि कर दो तब करेंगे, वरना ये नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये मैंने बहुत बड़ी गलती की थी कि मैं इनको 4 दिन पहले ये काम सौंप के गई थी। अगर मैं तभी करा लेती तो बहुत अच्छा रहता, ठीक है ना। मतलब इतनी पुरानी जान पहचान होने के बाद भी मुझे 10 चक्कर लगाने पड़ गए। बोलो इतनी पुरानी जान पहचान, फिर से आई थी 25 साल पुरानी जान पहचान है, जब मैं छोटी सी थी ना। उड़ 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 जल्दी नीचे से लो। कहाँ गंदगी, क्या हो गया? देखना ये सब कहाँ धूल उड़ रह गई इसमें, ये देखना इसको सही नहीं कर सकते थे आप? बस ये है और क्या, लो हो गया बस। है कहाँ है बताओ, कहाँ है, कहाँ है, क्या सब जगह है ये सब देखना। ये आपको बदलनी चाहिए था, ये स्पॉट आ गए, स्पॉट है, ये नहीं निकलेंगे। तो इसको हटा के नई लगानी चाहिए थी ना, बस शीशे शीशे का ही आप इतना चार्ज कर रहे हो। चार्ट पेपर, चलो अब इनको कर देती हूँ मैं पेमेंट, पेमेंट भी करूँगी मैं, आधी पूरी पेमेंट इनको नहीं दूंगी क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत झल्लाया है, ठीक है ना। उसके बाद बिल्कुल नहीं दूंगी, ले जाओ इसे भी ले जाओ, और बताओ। लेके जा रही हूँ, बस आने दो, ठीक है जी, मिलते हैं आगे। ऐसे कैसे जाऊंगी, आने आने वाले होंगे वो भी।